तो फाइनली आज हम आ गए अपने ब्लॉग की आखिरी वीडियो के ऊपर, जिसमें हम फूटर सेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाइल किया है। इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप इस ब्लॉग सीरीज को फॉलो करें तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने कोई भी सेक्शन मिस किया है ब्लॉग से रिलेटेड, तो उसे लाजमी चेक कर लीजिए। कुछ इस तरीके से अमेजिंग सा ब्लॉग दिखता है हमारा यहाँ पर, जो कि एनिमेटेड भी है, नेक्स्ट जेएस पीस भी है, और इसमें हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी है यहाँ पे कॉमन सेक्शन से रिलेटेड, वो भी अवेलेबल है। काफी अच्छा लुक है, आप इसको काफी इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड वगैरह पे चीजों का एडिशन कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ऑथर कार्ड है, इसके बाद हमें आखिर में अपना फूटर सेक्शन चाहिए होता है। इसको क्रिएट करने में हमने काफी सारे वीडियोस क्रॉस किए हैं, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पूरे ब्लॉग को बनाने से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आपके लिए फूटर सेक्शन हम काफी आसान रखते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप लाइब्रेरी का यूज करते हुए फीचर सेक्शन को डिफाइन करेंगे। हम जो आज लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं वो टेल ब्लॉक की लाइब्रेरी है। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि टेल ब्लॉक एक आपके पास यहाँ पे कोडिंग लाइब्रेरी होती है, जो कि HTML बेस्ड होती है। आप उसका यूज कर कर अपने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। तो सिंपल गुड टू गो फूटर मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और इसी टेल ब्लॉक की वेबसाइट से फूटर को चूज कर रही हूँ। इसमें आपके पास 5 से 6 वेरिएशन है यूज करने के लिए, आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएशन यूज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल जो ये वेरिएशन है इस वेरिएशन का यूज कर रही हूँ। इसमें 1 अदस SVG है, देन नाम है, यहाँ पे आपके पास कॉपी राइट है, लास्ट में आपके पास कुछ इस तरीके से आपके सिंपल सोशल जो है वो लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे पूरे सेक्शन को बकायदा तौर पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने ब्लॉग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर लिया है कि अब मैं फोटो सेक्शन को बहुत नॉर्मल रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए सिंपल काम क्या करेंगे, व्यू कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कॉपी टू क्लिप बोर्ड करके फीचर सेक्शन के कोड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, फूटर की जो हमारी यहाँ पे फाइल है उसके अंदर जाएंगे, एंड रिटर्न के बाद आपके पास यहाँ पर जो टैब है आपने इसके अंदर सिंपल इसको पेस्ट कर देना। आप जैसे इसको पेस्ट करोगे आपके पास बहुत सारे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी फाइल क्या होगी वो रेड हो जाएगी। आपने क्या करना है कि इस केस के अंदर सबसे पहले लेआउट के नीचे जो paste.tsx है उसमें आना है, आने के बाद ऑथर कार्ड के नीचे सबसे पहले यहाँ पे फूटर को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ताकि एटलीस्ट फूटर नजर तो आए। फूटर इम्प्लीमेंट करने के बाद फूटर को कॉल भी कर लीजिएगा, मेरे पास डायरेक्टली चीजें कॉल्ड आउट हो जाती हैं, तो इसलिए एज सच प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब मेरे पास यहाँ पे फूटर कॉल्ड हो गया है। इसके बाद हम फूटर के कोड में आएंगे, फूटर के कोड में आने के बाद आप फूटर के कोड को ठीक करेंगे। फूटर के कोड में आपके पास जितने भी एरर आएंगे वो क्लास नेम से रिलेटेड आएंगे, तो आप इस पे अपना माउस लेके जाइएगा, माउस ले जाके क्विक फिक्स कीजिएगा और फिक्स ऑल डिटेक्ट स्पेलिंग एरर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका कोड परफेक्टली ठीक हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पे जब हम टेलमेंट सीएसएस का यूज करते हैं तो हम उसमें क्लास नेम लिखते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल अपनी HTML सीएसएस यूज करते हैं तो हम उसमें क्लास डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई होगी। मैं आपको एक नजर दिखा भी देती हूँ, लास्ट में मेरा फूटर सेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसको थोड़ा ज्यादा जूम करूंगी ताकि ये फूटर सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आता रहे। कुछ इस तरीके से फूटर सेक्शन है, और भी ज्यादा जूम करने के बाद भी ये अप्रोक्सीमेटली नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि इसको थोड़ा सा जो है वो हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है, जहाँ पे टेल ब्लॉक लिखता है इस टेल ब्लॉक की जगह आपने अपना नाम लिखना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर मिल जाएगा SVG के बाद। अच्छा, SVG का कलर आप जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा टेल ब्लॉक, ठीक है, ये रहा स्पैन के अंदर टेल ब्लॉक लिखा है, इसकी जगह मैं अपना नाम लिख देती हूँ सबसे पहले यहाँ पे, ताकि हमारा नाम यहाँ पे आ जाए और टेल ब्लॉक की जगह मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। SVG का कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पे ग्रे कलर का, अगर मुझे इसको रेड कलर में देना हो तो मैं यहाँ पे इसको रेड कलर दे देती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग उसी थीम के बेस पे हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रेड कलर हो गया, और रेड मैंने दिया हुआ है 600, तो टेक्स्ट रेड कर दूंगी यहाँ से 600, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। SVG का कलर जो इन्होंने दिया हुआ है, वो इन्होंने इंडिगो टाइप का कलर दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लें,
और किन चीजों की जरूरत है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें और कोई चीज जो है वो यहाँ पे बदलनी चाहिए, यहाँ पे इसके कैप राइट से रिलेटेड, तो उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा है, उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन में लिखा है एट द कॉपी राइट 2022 टेल बॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कॉपी राइट 2024, और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे डायनामिक ब्लॉक, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायनामिक ब्लॉक, और इस टेक्स्ट के आगे लिख देती हूँ क्वार्टर टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, देख लेते हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, ठीक है। यही भी हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है, हमने यहाँ पे अपने जो सेक्शन लगाए हुए हैं इसके अंदर अगर आपने एडिशन करनी हो इनकी, जैसे इनके कलर्स है ना, अब ये सब ग्रे कलर में, तो मैं इनके कलर जो है वो क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहती हूँ। जैसे मैं इसको रेड कलर देना चाहती हूँ, तो मैं सारी जगह में रेड कलर दे दूंगी, तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे सोशल प्लेट्स लगे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो रेड कलर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये रहा मेरा फेसबुक का, तो ये आ गया रेड कलर में। इसके अंदर लिंक्स नहीं लगे हुए, अगर आप लिंक्स लगाना चाहें तो आप सिंपल इसके अंदर लिंक्स भी लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई और जो है वो टेक्स्ट को एनहांस जनरेट कर दूं तो थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ यूआरएल है, इसके अंदर अगर आपने अपना नाम देना हो तो यूआरएल में अपना नाम भी प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है यहाँ पे, और जो है क्या कहते हैं वो समथिंग ये लिखा है के एन करके, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक लिखा है तो आप यहाँ पे जो क्वार्टर टू है इसको इसकी जगह लिख दें, तो इससे क्या होगा कि ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेते हो गया कॉपीराइट 2024 डायनामिक ब्लॉक एट द रेट क्वार्टर टू हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर आपने और भी इसको जो है वो चेंज करना तो डायनामिक ब्लॉक कॉपीराइट 2024 एट द रेट क्वार्टर टू भी आप इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे जिस तरीके से भी लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, और इस तरीके से जो मेरा फुटर सेक्शन होगा वो सिंपली आ जाएगा। अगर आपने इसे स्ट्रोक का कलर बदलना हो तो आप इस स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से जो है वो फाइंड करके कोड में से उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको व्यू बॉक्स के अंदर से कौन सा कलर देना चाहते हैं और उसको किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो बस एक छोटा सा हमारा फुटर सेक्शन था जो कि हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा डायनामिक ब्लॉग है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। आप भी इम्प्लीमेंट कराना हो जिस जिस पेज के ऊपर, आप उस पेज के ऊपर इसमें जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार तब मैं आपको करा के भी दिखा देती हूँ। जैसे अगर मुझे डायनामिक ब्लॉक अपने हर जो है वो इस तरीके के फाइल पेज के अंदर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने पोस्ट आईडी के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे ऑथर कार्ड लिखा था, इसी तरीके से ऑथर कार्ड के साथ यहाँ पे मैं अपना फूटर ऐड कर दूंगी। तो जब भी कोई मेरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास फूटर भी नजर आएगा। तो वापस कोड में जाते हैं, किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, तो ये देखें लास्ट में आपका फूटर जो है वो नजर आ रहा है। अगर आपने इसको भी ब्लैक से करना हो अपने टेक्स्ट को फुटर में, तो आप इसको भी ब्लैक से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको नैप बार बता दिया था कि वो ऑप्शनल है, अगर आपने इसको अपने पेज पे ही रखना है तो पेज पे ही रखिए, अदरवाइज आप जो है वो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करा सकते हैं। मैंने अबाउट एंड कॉन्टेक्ट के पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं, आप अगर क्रिएट करना चाहें तो डेफिनेटली क्रिएट कर लें। तो इस तरीके से जो हमारा काफी अमेजिंग सा ब्लॉग होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा, इसका फोटो सेक्शन भी आ गया और बाकी की चीजें भी हमारे पास अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो मेक श्योर कीजिए कि उसे लाजमी चैनल से चेक कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में इसी और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।